हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई सब हम लोग आ चुके हैं सोलो स्क्वाड में और देख सकते हो भाई सब कहाँ उतर गए हम। तो भाई ये वाला जो इंटरलेक्ट सेंटर है भाई, इस जगह पे ना ये M41 मिलता है, तो इसीलिए मैं M41 लेने आता हूँ गाइस। यार देखो भाई, एक भी डैमेज नहीं लगा भाई, इतने सारे बंदे भाई, गेम प्ले को मेरा क्या हो गया यार। यार ऐसा मत समझो भाई, गेम प्ले मतलब खराब है, मतलब क्या ही बोलेंगे आज, मतलब हेड ही नहीं लग रहा भाई। मतलब देखो स्कोप नहीं था ना मेरे पास, तो इसीलिए मैं नहीं मार पाया यार, वो बंदा मतलब एक्यूरेसी नहीं ले रहा था। ठीक है तो कोई बात नहीं गाइस, टेंशन नहीं लेने का, हम भी मारेंगे भाई, रुको जरा सबर करो। तो यार भाई इधर आसपास बंदे खोजते हैं। ए भाई दिखा दिखा दिखा, एक बंदा भाग रहा। ओ भाई पूरा हेडशॉट से डाउन एक बंदा, लेकिन पीछे से मार रहा था मेरे को ये, पीछे से कोई भाई फायर कर रहा था यार, देखो पीछे से। कोई बात नहीं यार, हमने तो पहला किल कर दिया भाई, जैसे तैसे करके अपना खाता खोल लिया। तो गाइस देखते हैं उधर वाला जो मार रहा था उसको, भाई हम लोग चलते हैं। हमारे पास देखो ये M41 है और भाई ये MP5 है, ठीक है, तो ये दोनों गन काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है तो हम लोग तो एक बंदा तो मार ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लगता है घर के ऊपर एक ही बंदा है। इसको तो भाई फ्लैश से पहले डैमेज देंगे। अबे ये क्या हुआ भाई, कहाँ भाई, मैं मर गया भाई, यार मैं कहाँ आ गया भाई, यहाँ पे मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में, गजनी की औलाद। यार मतलब मेरे को भाई अचानक से भाई पीछे से मार दिया और भाई मैं सीधा यहाँ आके टपक गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो जगह है भाई, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब दो दिन से चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई एक चीज़ है भाई, आपका देखो ऊपर जो हेल्थ है वो चल रहा है, ठीक है, तो आप जिसमें जितना बंदों को मारोगे, या फिर वो बॉक्स है, वो ग्रीन और येलो टाइप का बॉक्स है, देखो वो रंग बिरंगा बॉक्स है ना भाई, इसको फोड़ोगे तो आपका हेल्थ बढ़ जाएगा। और ये देखो गाइस, हमने बुइया कर लिया यहाँ पे, मतलब हमने जीत गए। तो इसीलिए आप अगर आप भी जीत जाओगे ना, आपका हेल्थ पूरा कर लोगे, तो भाई आप जिंदा हो जाओगे, ठीक है। चल झूठा भाई, मतलब सच में यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ये सच में ये ऐसे ही होता है भाई। अगर आप इस पे अगर आप मतलब एक मिनट या कुछ टाइमर चल रहा है, ठीक है, उससे पहले अगर आप नहीं जीत पाओगे तो आपका दी एंड, मतलब समझ रहे हो ना। अगर आपकी स्क्वाड रहेगी तो आप मतलब आपको रिवाइव कर सकता है, लेकिन मैं तो सोलो से स्क्वाड खेल रहा था, फिर भी जिंदा हो गया। सो भाई लोग देख सकते हो इधर स्कैनर में मैंने यहाँ पे एक बंदा देखा, ठीक है, इसलिए मैं इसीलिए इधर उतर गया, ठीक है। तो गाइस भाई मेरे को तो रिवाइव देने के लिए थैंक्स भाई, गेरेना वालों को थैंक्स, क्योंकि अगर भाई जिंदा नहीं होता तो भाई आपके लिए मैं वीडियो कहाँ से रिकॉर्ड कर पाता यार भाई। तो इस इवेंट के चक्कर में मैं तो जिंदा हो गया भाई, ये 6th एनिवर्सरी जो इवेंट चल रहा है उसकी वजह से भाई ऊपर में दिया गया था, ठीक है, वो रिवाइवल का सिस्टम है, ठीक है। तो गाइस यहीं पे बंदा है, मुझे पता था भाई, स्कैनर एक बार गया फिर दोबारा आ गया, लेकिन बंदा है तो है, कहाँ पे ये देखो भाई साहब ऊपर सर्वाइव कर रहा है। चलो गाइस इसको हमने डाउन कर दिया फाइनली, क्योंकि भाई साहब ऐसे कोई सर्वाइव करता है क्या? मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे बंदा था, वो लूट वूट करके यहाँ पे सोया हुआ था गाइस। तो इसके पास देखो भाई M14 है भाई, हमारा तो ट्रिपल सी वाला M41 तो चला गया भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग ड्रॉप में चलते हैं भाई, शायद से कोई अच्छा सा गन मिल जाए भाई, ड्रॉप लूटेंगे बढ़िया से और भाई अच्छे से गेम प्ले करेंगे, फिर से नया सिरे से शुरुआत करते हैं गाइस। और भाई हम लोग पहले ड्रॉप लूटने चलते हैं, तो भाई देखते हैं यार आगे क्या होता है। हमारे 2 किल अभी तक तो हुए और एक बार तो हमने ख़त्म भी हो गया था, मैं तो हमारा रिवाइवल का तो अब दूसरा कोई चांस नहीं है, अब हमें रिस्क नहीं लेना है, आराम से खेलना और ध्यान से खेलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं सीधा सीधा रश करूंगा भाई, रैंक पुश भी करूंगा, तो आप भी देख सकते हो कि मैं कैसे कैसे मतलब खेल रहा हूं, आप भी देख के सीख सकते हो, या फिर मतलब आप अगर समझ सकते हो ऐसा, ठीक है। तो यार भाई मैं तो सीधी बात पहले बता रहा हूं, मैं ऐसे मतलब रश करते हुए ही खेलता हूं ज़्यादातर, वैसे मैं रैंक पुश ज़्यादा करता नहीं, बट मैं ट्रिक बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको मतलब रैंक पुश करना ही है तो भाई अच्छा सा लूट ले लो बढ़िया से, और भाई ये खुले वाले घर पे जैसे उस बंदा का तरह टॉप में था वो बैठा हुआ था, वैसे रैंक पुश नहीं होता यार। आपको अगर रैंक पुश ही करना है तो कहीं ऊपर जगह, जैसे आप लॉन्च पैड से मैं बताया, जैसे रोबो के ऊपर या फिर किसी घर के ऊपर जाके बैठ जाओ, बड़े वाले जिसपे आपका कोई बंदा देख ना सके, ठीक है। तो मैंने अभी स्कैनर लगा दिया, अगर आसपास कोई बंदा होगा ना तो भाई पक्का पता चल जाएगा। और वैसे भी हमने 2 बंदा को देखा हुआ था उधर ऊपर उतर रहे थे, ठीक है, मैं रिवाइव हुआ तो उस टाइम दिख रहा था ना भाई, आप लोग भी देखे होंगे सामने 2 बंदा उतर रहा था, ठीक है। तो मैं कहाँ था भाई कि रैंक पुश अगर करना ही है तो भाई बढ़िया से, ओ देखो भाई बंदा 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 भाई, जैसे भी करके उसको डाउन करना है हमें। चलो गाइस डाउन है भाई, एक बंदा डाउन है, लेकिन और एक बंदा भी था यहाँ पे, ठीक है, आसपास, तो उसको बढ़िया से हम लोग देख के पहले इसको ख़त्म कर देते, नहीं तो भाई रिवाइव कर देगा। और सामने गाइस देखो लॉग वाला ड्रॉप है, तो भाई लॉग वाला ड्रॉप तो अपन छोड़ते नहीं कभी, क्योंकि इसमें भाई लूट भरा होता है कूट कूट के गाइस। तो पहले देख लेते हैं इस बंदे के पास क्या है, नहीं तो भाई लूटना इससे भी ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत दूर में था, ठीक है, ये बहुत दूर का रेंज से इसको हमने मारा, इसके पास देखा, मैं बोला ना भाई ये रिवाइव वाला बंदा, इसके पास ज़्यादा लूट था नहीं। तो चलो गाइस हम लोग ड्रॉप लूट लेते हैं, इसके सामने और भी बंदा है, ठीक है, उसको अभी हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, अगर मैं ड्रॉप लूटूंगा ना वो खुद आ जाएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ भाई, वो खुद आ जाएगा।
अब ऐसा नहीं कि भाई आप रिकॉर्डिंग किए हो देख के बोल रहे हो, ये बात नहीं होता भाई। ड्रॉप अब लूटोगे तो लोकेशन पता चल जाता ना बंदों को, तो भाई वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है भाई। स्कैनर यहाँ से उठा के हम लोग देखे, स्कैनर नहीं मिला यार, बैग से निकाल देखे देख लेते हैं भाई, कुछ हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ये गाइस स्कैनर लगा के देख लेते हैं, कहीं आसपास ही होगा वो चिरकुट, इधर ही होगा आसपास। चलो यार देखते हैं कहाँ है वो। ये आया 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 भाई, आ गया तेरी तो। ये डैमेज है भाई साहब, हल्का सा डैमेज है यार, हल्का सा। ओ भाई साहब फाइनली ये लोग स्क्वाड को पूरा पूरा खत्म कर दिया। देख सकते हो गाइस हमारे 4 किल हो चुके हैं, और भाई ड्रॉप आराम से लूट लेंगे। ड्रॉप में कौन सा गन होगा उस हिसाब से, नहीं तो भाई M14 ही चलाऊंगा। अगर मतलब ग्रोजा मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा कसम से यार, सच बोल रहा हूँ। ग्रोजा तो मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ यार, क्योंकि मैं इतना देर से ड्रॉप के पास बैठा हुआ हूँ। आप लोग भी ट्राई करना, देखना भाई कौन सा गन मिलता है, क्योंकि भाई इसमें जब भी आप मतलब करोगे ना ड्रॉप में, तो भाई आपको एक तो A94 गन मिलेगा या फिर आपको ड्रैगनम मिलेगा। मुझे क्या मिला, ग्रोजा मिलेगा क्या? अबे यहाँ पे और भी बंदे रिवाइव को उतरे। ओ शिट शिट भाई, दो बंदे उतर रहे हैं और एक बंदा उतर रहा है। यारी तो ये ले हेड हल्का सा। ओ भाई और एक बंदा उतर रहा, देखा मैंने ऊपर भाई, देखा वो भाई पैराशूट इसका देख के मैं तो पता चल गया। यारी भाई सब ये लोग ड्रॉप देख के यहीं पे उतर रहे थे गाइज। दोनों बंदा डाउन है भाई यहाँ पे, अब तो 6 किल हो जाएंगे ऐसे ही भाई, फ्री फोकट का हमारे 6 किल हो जाएंगे। आ जाओ भाई, मतलब ये लोग दोनों प्लानिंग लगा के आया था भाई, लग रहा कि मेरे को मार के ये लोग लूट के चला जाएगा। इतना हल्के में यार भाई, सूरज भाई को इतना हल्के में मत लिया करो। ओ भाई साहब फाइनली देखो हमें ड्रैगनम मिल गया, तो भाई मैं M14 लेके क्या ही करूँगा। चलो गाइस यहाँ पे लैंड में लगा देते हैं और भाई यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो भाई लोग चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भाई देख सकते हो भाई मेरे पास तो लूट है, और भाई हमारा 6 किल हो चुका है गाइस। 6 किल कर लिया हमने जैसे तैसे करके। तो अभी ना आप रैंक पुश वाला दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ यार, आपके पास लॉन्च पैड वगैरह हो तो आप मतलब ड्रॉप में जाओगे तो ऑब्वियसली लॉन्च पैड मिल ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लॉन्च पैड लगा के सीधा रोबो के ऊपर चलते हैं। और भाई अगर आप रश नहीं करोगे ना, आपको इजीली 3 से 4 किल करने हैं, मतलब 4 से 5 किल आपको करना है, ठीक है। और भाई सीधा देखो ड्रॉप के लगा के सीधा इस रोबो के ऊपर चढ़ जाना, या फिर किसी भी बड़े घर के ऊपर चढ़ जाना है, और आपको यहीं वहीं पे रहना है जोन के अंदर, ठीक है। जोन के अंदर, जोन के बाहर नहीं यार, रैंक कुछ जोन के बाहर नहीं होता। ये ड्रॉप लूट रहा, देखो गाइस आते साथ किल मिलेगा हमें तो। अब तैयारी तो अब जाएगा कहाँ यार ये लोग। भाई ये रिवाइव करेगा, जल्दी से किल कंफर्म कर लेते हैं। फाइनली दोनों डाउन है भाई, देखा इसको बोलते हैं ना ट्रिक। अब देखो जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो वो तो मर ही जाएगा ऑलरेडी, बट उधर कहीं दिख रहा था भाई बंदा, ये लोग को फायर कर रहा था भाई मेरे सीढ़ी के पीछे। ये एक दो भाई, एक गोली का बचा था यार लिटरली, कहाँ गया वो भाई। उसको पता चल गया कि मैं ऊपर से मार रहा हूँ भाई, कवर ले लिया भाई, साना बंदा था थोड़ा। तो कोई बात नहीं यार, देख सकते हो हमारे 8 किल हो चुके गाइस। और देखो आपको रैंक पुश के लिए और चाहिए क्या भाई, किल से ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 5-4-5 किल चाहिए, और भाई आपको टॉप 10 में आना है, ठीक है। तो आपका रैंक पुश ईजिली हो जाएगा। तो बस सिंपल सा ट्रिक लगाओ यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है भाई। रैंक पुश करोगे तो भाई आराम से चाय पीते एकदम बैठे रहना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का गाइस, देख सकते हो। और अभी तो जोन आ रहा है, पीछे से भी बंदे आ सकते हैं, आगे से भी। हम लोग आराम से यहाँ पे बैठे रहेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, बंदा आ जाए फिर उनको धोएंगे, ठीक है, वो भी उठक पटक के धोएंगे। सो टेंशन नहीं लेने का, अभी किधर से आ रहा भाई देखते गाइस, कोई तो आ जाओ रे भाई, तभी से मैं वेट कर रहा हूँ। लगता है अब कोई बंदा नहीं आने वाला, पीछे भी देख लेते हैं एक बार, अभी तो कोई दिख रहे हैं भाई। चलो नीचे कूद जाता हूँ भाई। इसमें देखो एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ से नीचे उतरने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट कूदोगे तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ कटेगा आपका, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे पहले आना है, और भाई देखो नीचे वाला जो एक डब्बा है ना, मतलब गोल वाला, उस पर कूदना है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं कूदना है। यार मैं कूद पाता हूँ कि नहीं देखता हूँ, अरे थोड़ा सा जस्ट मिस हो गया, फिर भी देखो यार हेल्थ ज़्यादा नहीं कटा। अगर आप ऊपर से कूदते ना भाई, आपका कम से कम भाई 30 SP ही बचता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्या ही बोलेंगे। तो चलो यार 16 बंदे अलाइव हैं और मेरे 8 किल हो चुके हैं, हम लोग जीत पाते कि नहीं। ये सामने बंदा आ गया भाई, कहाँ से आ गया, पीछे से भी बंदा आ गया। शिट यार, मतलब इतने सारे बंदे अचानक से रश कर दिया भाई। ओ भाई भाई एक बंदा डाउन है, आ जाओ एक बंदा डाउन है, पूरा डैमेज है भाई, ये भी एक गोली का बचा है, कहाँ जाएगा। अरे भाई हेड मार दिया मेरे को, वो मेरे पास इनहेलर भाई, जिंदा होने का ट्राई करते हैं गाइस। भाई वो लोग एक ही स्क्वाड का लगता है भाई, मेडिकेट लगा लेते जल्दी से। भाई वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं क्या,
अरे अलग अलग बंदा है भाई। अरे मेरे किल चोरी हो गए भाई, दो एक बंदा को डाउन किया था मैंने भाई, वो पीछे वाला बंदा अचानक से रश कर दिया था भाई, उसी ने किल चोरी किया। चलो गाइज वो भी डाउन है, लेकिन इन दोनों बंदे को मैंने एक एक गोली का छोड़ा था गाइज, दोनों का किल चला गया, मतलब तीनों को मैं इजीली टैकल कर सकता था, बट क्या करे भाई लोग, हमारे नसीब में नहीं था। तो कोई बात नहीं यार, हमने चलो फाइनली किल तो कर लिया, जिंदा हो गया वही बड़ी बात है यार। मैं तो अभी भी सोच रहा था कि वीडियो का क्या होता भाई, थोड़ा देर के लिए मैं शॉक हो गया था भाई, ऐसे में अब क्या ही बोलेंगे, अब जिंदा हो गए तो जिंदा हो गए। जली ना, तेरी भी जली ना। अब उन बंदों को मतलब देख के मेरे को शौक हो जाएगा कि यार मैंने इनको इसको डाउन किया था, ये जिंदा हो गया, हम दोनों मर गए, मतलब होता है अभी कभी कभी ऐसा होता है। एक भाग रहा है यहाँ जोन से जाने की कोशिश कर रहा है गाइस, देख सकते हो सामने से कि यार ये तो भाई तू जोन में कैसे जाएगा हमारे होते हुए। चलो इसको हमने उड़ा दिया फाइनली, 10 किल हो चुके जैसे भी तैसे करके, हमने डेकेट पूरा कर लिया और 7 बंदे अलाइव है गाइस, 7 मतलब 7 बंदे को हम लोग मार पाते कि नहीं इजीली देखते हैं। आप अभी तक अगर वीडियो में बने हो तो प्लीज़ यार, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भाई वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलता है। ठीक है तो गाइस इतना तो हेल्प कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है तो चलो यार देखते हैं इधर आसपास कोई है कि नहीं। भाई फुटप्रिंट्स की आवाज़ें आ रही है ऊपर से, ऊपर बंदा है मुझे कंफर्म है भाई, ऊपर बंदा है। तो हम लोग इधर ही वेट करते हैं थोड़ा, अगर शायद वो लोग नीचे उतर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा भाई। ऊपर ही है, डाउन है, एक बंदा डाउन है, डाउन है। ये जोन के अंदर भी एक है। चलो इधर फोकट में भाई 2 किल मिल गया, और कितने बंदे, और 5 बंदे अलाइव है, मतलब मेरे को छोड़ के भाई यही बात होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में भाई, यही खराब है कि अगर आप लास्ट जोन में अकेले बचे और आपके ऑपोजिट में 4 बंदे और वो आपको ढूंढ के मारने की कोशिश करेंगे तो सोच सकते हो कैसा लगता है। अबे मैं इतना बोलते बोलते भाई एक बंदा मर गया, मतलब 3 ही बंदे बचे हैं। ये एक भाग रहा है भाई, मैं इसको हेडशॉट ट्राई कर रहा था, बट कोई बात नहीं हम लोग ग्लोबल फोड़ लेते। ओह भाई साहब फाइनली डाउन है बंदा, ऊपर से एक आ रहा, देखो गाइस ऊपर। अबे मजा, चलो गाइस फाइनली हमने 14 किल कर दिए और भाई देख सकते हो इन दोनों को भी तो हमने टपका ही दिया है, तो भाई अब एक ही बचा है मतलब 1v1। तो गाइस देखते हैं हम लोग के 1v1 में कौन जीतता है, सूरज भाई की वो अगला वाला बंदा जो हमारे साथ है। तो गाइस देखते हैं, मतलब जो जीतेगा भाई वही बनेगा सिकंदर और भाई मैच को जीत लेगा। तो फाइनली बंदा इधर ही कहाँ है भाई, इधर ही फायर कर रहा था आसपास, ऊपर केली बचा है भाई, केली मैंने देखा पीला वाला ड्रेस था, इधर ही है आसपास, यहीं पे होगा भाई। चलो गाइस डैमेज फाइनली, गाइस हेडशॉट से पूरा बुइया हो गया गेम, हम लोग जीत गए भाई 15 किल के साथ। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। यार भाई मतलब बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाना, ठीक है समझ।